नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज जो मैंने शेयर चूज करा, इसमें अप लेवल पर काफ़ी लोग फंस चुके होंगे, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप अभी इस शेयर को अवॉइड करिए, इस शेयर से दूरी बनाकर रखिए, ये सही समय नहीं इसमें इन्वेस्ट करने का। हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम है, अभी तक आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, और थोड़ा समझिए क्योंकि इस शेयर में बाय करने नहीं करने ये भी आपको समझाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, तो आज 21 सितंबर है, टाइम हो रहा दिन के 11:30, लाइव मार्केट ओपन है और शेयर आज 4.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये मैंने गूगल पे ओपन कर लिया है। ये देखिए, ये मैंने कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ये मैंने गूगल पे ओपन कर लिया है। गूगल पे देखिए, ये आज 4.5% की गिरावट के साथ वर्क कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, और इसमें अभी और भी गिरावट आएंगी, ये आपको समझाता हूँ क्यों आएंगी, क्या वजह है। क्योंकि हम लोग इसमें देखते हैं, एक छोटी सी न्यूज़ आती है, ये तेज़ी के साथ भागता है, उसमें क्या होता है कि हम छोटे इन्वेस्टर्स में तेज़ी के साथ बल्क बाइंग करने लगते हैं, समझते नहीं न्यूज़ का ओवरव्यू नहीं समझते, बस हम आँख बन के इन्वेस्ट करने लगते हैं और फंस जाते हैं हम ऊपर लेवल पर। तो मेरा मानना है कि इसमें सही समय नहीं इन्वेस्ट करने का, इसे अवॉइड रहिए, जितनी दूरी बना सके उतनी दूरी बनाए, और भी पैनी शेयर है उनमें आप इन्वेस्ट करके ये डेफिनेटली आने वाले समय में मल्टीबैगर बनेगा, बट इसके लिए पेशेंस चाहिए आपको, अभी इस लेवल पर बाय करने का बिल्कुल मौका नहीं है। चलिए दोस्तों, समझते हैं ओवरव्यू इसका। तो ये ओपन होता है 10.85 रुपये पे, हाई मारता है 11 रुपये का आज, लो मारता है 10.10 रुपये का, ठीक है। इसका 52 हाई है 13.80 रुपये का, 52 लो है 4.5 रुपये का। ये ओवरव्यू है कंपनी का, शेयर का, और आप समझते हैं ये शेयर ऐसा है कि हर किसी के पोर्टफोलियो में या हर किसी के वॉच लिस्ट में होगा। तो अब और समझते हैं इसमें क्यों इस तेज़ी भागी थी इसके अंदर। तो ये देखिए, मैंने मिंट के साइड पर ओपन कर लिया, तो एक वजह थी PLI स्कीम जिस दिन आई थी उस दिन बस ये दो न्यूज़ आई थी, दो न्यूज़ का कोई बेनिफिट नहीं था शेयर को। बस देखिए, रिलीफ करा है गवर्नमेंट ने, इनको AGR मॉडिटेरियम दिया है, AGR ड्यूज पे करने का 4 साल का, और इनको AGR तो पे करनी है, AGR के ड्यूज तो पे करनी है, मां मॉडिटेरियम दिया है RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मॉडिटेरियम पे करेंगे, एक न्यूज़ तो ये थी। ऐसा तो नहीं था गवर्नमेंट ने कर्जा कम कर दिया, AGR ड्यूज़ के अंदर कोई रिलीफ दिया, वो तो कोई आया नहीं था न्यूज़ के अंदर, बस मॉडिटेरियम करा है इनको कि 4 साल की ड्यू, 4 साल का मॉडिटेरियम और दिया है, बढ़ा दी गई है, यानी टाइम लिमिट थी वो बढ़ा दी गई है कि आप 4 साल के अंदर और मॉडिटेरियम दिया गया कि आप इसको क्लोज करिए और पे करिए आपको, ठीक है। ये बस और कुछ नहीं था कि गवर्नमेंट ने इसका लॉ कम किया हो, AGR ड्यूज़ कम किया, कुछ नहीं था। सेकेंड न्यूज़ ये आई थी कि कैबिनेट ने बस 100% FDI अप्रूव करा है, ओनली 100% FDI की अप्रूवल दी थी बस, और कोई अप्रूवल नहीं दी थी गवर्नमेंट ने, और कोई PLI स्कीम फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई और अप्रूवल नहीं दी है। बस जब तक इन्हें कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता, जब तक इनका कर्जा कम नहीं होता, इसमें तेज़ी किस वजह की तेज़ी आ रही है। हम छोटे इन्वेस्टर इसीलिए फंसते हैं कि हम न्यूज़ को समझते नहीं हैं और हम बाय करके बैठ जाते हैं। तो प्लीज़ समझिए, न्यूज़ को समझिए, वोडाफोन आइडिया में थोड़ा सा बस चौकन्ना रहिए इन्वेस्ट करने से पहले, ओवरव्यू समझिए, वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना ही नहीं करना, आप बिल्कुल मत फंसिए शेयर के अंदर, और हो सके तो अगर छोटा मोटा लॉस है तो उसमें अवॉइड करके निकल सकते हैं। अभी ऐसा कोई अप ट्रेंड या अप मूव नहीं है इसके अंदर कि ये भागेगा और भी, ठीक है। तो ये 100% FDI की अप्रूवल मिली थी इसको, बस अभी कोई इन्वेस्टर नहीं आया कि इसके साथ इन्वेस्ट करके इनका कर्जा कम हो, ऐसा कोई अभी न्यूज़ नहीं आई ना, ऐसा कोई ऐसे ना कोई बेनिफिट मिला इन लोगों को। अब मैं स्कैनर के साइड पे आता हूँ आपको, ये समझिए आप, कंपनी की मार्केट कैप है 30,891 करोड़ रुपये की, ROCE माइनस में चल रहा है इसका, बुक वैल्यू देखिए, करंट वैल्यू से भी बुक वैल्यू माइनस में चल रहा है, यानी कंपनी का फंडिंग इतनी नहीं है कि अपने शेयर को उस बुक वैल्यू पर चला सके। फेस वैल्यू थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, कभी भी कंपनी स्प्लिट करती है तो ये फेस वैल्यू का बेनिफिट मिल सकता है कंपनी को। ऐसा कोई व्यूज़ नहीं है, ऐसी कोई कमेंट नहीं कंपनी के बारे में स्कैनर के साइड पे कि ये हमें बता सके कि कंपनी में सही समय इन्वेस्ट करने का नहीं, ठीक है। ऐसा कोई गोड क्वार्टर रिजल्ट नहीं दे रही कंपनी, देखिए दिसंबर से देखिए मार्च, अभी जून क्वार्टर का रिजल्ट आया था, उसमें इन्होंने 3,708 प्रॉफिट रेवेन्यू में प्रॉफिट जनरेट किया था, बट ये देखिए एवरी क्वार्टर इनकी सेल भी डिक्रीज़ हो रही है। ये देखिए आप, दिसंबर के अंदर 10,894 थी, वहीं मार्च क्वार्टर के अंदर इनकी 9,600 हो गई, वहीं देखिए, यानी कि एवरी क्वार्टर इनके 500 करोड़ रुपए की सेल डाउन हो रही है। ये देखिए नेट प्रॉफिट भी इनका डाउन हो रहा है, वही देखिए, ये देखिए टैक्स के बाद इनका नेट प्रॉफिट देखिए माइनस में जा रहा है, EPS इनका बढ़ रहा है, ये देखिए दिसंबर के अंदर EPS इनका था -1.58, वहीं ये देखिए
ईपीएस हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया इनका मार्च क्वार्टर के अंदर 2.44, वहीं जून क्वार्टर के अंदर ईपीएस इनका हो गया 2.55। आप क्वार्टर वाइज रिजल्ट भी देखें, ईयर वाइज रिजल्ट देखें, तो भी आपको समझ आएगा इस शेयर के अंदर दूरी बना के रखनी है आपको। ऐसी कोई न्यूज़ को देख के आप आँख बंद करके बाय मत करिए शेयर को, वोडाफोन आइडिया से अवॉइड रहिए, अपने आपको अवॉइड करिए जितना अवॉइड कर सके। और भी और भी पैनी शेयर है, और आप उनमें बाय शेयर एक पैनी शेयर की तरह से ट्रीट करिए इसको। ये देखिए 16,000 का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये देखिए इनकी सेल डिक्रीज हो रही है ईयर ईयर वाइज, इनकी सेल डिक्रीज हो रही है, ठीक है, कस्टमर बेस खत्म होता जा रहा है इन पर धीरे धीरे। अर्निंग पर शेयर भी देखिए, यानी कि ये आप क्वार्टर वाइज भी देखेंगे तो भी इनके ईयर वाइज देखेंगे तो भी ये माइनस में चल रहा है। क्या न्यूज़ आई थी? कोई न्यूज़ ही नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं आया, कुछ ऐसा नहीं आया, फिर भी शेयर भाग चुका। एक छोटी सी न्यूज़ हम समझते नहीं है पूरे, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फट से इन्वेस्ट करता है और ऊपर लेवल में हम लोग फंस जाते हैं। अगर आप भी ऊपर लेवल में फंसे, अगर छोटा मोटा लॉस हो रहा है आपको, तो प्लीज़ उसमें निकल जाइए और अदर कोई शेयर है उसमें बाय करके आप बैठ जाइए। अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ समझिए, मैं चार्ट ओपन कर लिया मैंने, डेली चार्ट पे देख समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखिए जिस दिन वो आई थी न्यूज़ आई थी पीएलआई स्कीम की, उस दिन शेयर भागा था 9 रुपये से तुरंत, ये नहीं ये शेयर देखिए पीएलआई स्कीम की जिस दिन न्यूज़ आई थी उस दिन देखिए ये तेज़ी से भागा शेयर, इनने 11 रुपये 11.5 रुपये का लेवल टच कर दिया, फिर अगले दिन फिर भागा, फिर अगले दिन इसकी आकर प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर स्टार्ट। देखिए ये गया 12.5 के आसपास, 12.30 रुपये के आसपास गया, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, ये क्लोज होके गया 11.70 रुपये 11 रुपये के आसपास ये क्लोज हुआ। फिर ये कल देखिए यस्टरडे को ये ओपन गया 11.65 रुपये तक हाई गया, उसके बाद इसने फिर गिरावट दिखाई, इसने 10.5 रुपये तक गिरावट गया, ये देखिए ये क्लोज हुआ 11.70 रुपये के आसपास क्लोज हो गया। और आज देखिए ये आज फिर इसने तेज़ी दिखाई, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना वो तेज़ी दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग तेज़ी दिखे और हम लोग इसमें बाय करें और तुरंत वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जैसे जैसे इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी वैसे वैसे हम लोग फंसेंगे इसके अंदर। ये देखिए आज भी ये 11 रुपये के लेवल का टच करके गया, 10.90 रुपये के आसपास गया ये, और ये देखिए आज 10.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है 10.40 रुपये 10.25 या 30 रुपये के आसपास ये क्लोज होगा आज की डेट में, ये तो इसने 10.10 रुपये लो मारा है। अब इसमें देखिए अगर इसमें इन्वेस्ट करना है आपको तो इन्वेस्ट करने का जो सही समय है ये 4 रुपये से लेकर 6 रुपये के बीच में इन्वेस्ट होगा, क्योंकि इसी लेवल पे देखिए यहाँ पे ये कॉन्सोलिडेट कर रहा था शेयर, ऐसा कुछ नहीं था, बस न्यूज़ के व्यूज़ आया, न्यूज़ के अंदर अप ट्रेंड की तरफ भाग चुका है, बाकी ये कॉन्सोलिडेट करेगा। ये 4 रुपये से लेकर 6 रुपये के बीच का शेयर है, इसमें कोई अभी अप ट्रेंड नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो तेज़ी से साथ भागे, इसमें सही समय नहीं इन्वेस्ट करने का। अगर आप भी इसमें फंस चुके तो प्लीज़ छोटा मोटा लॉस करके आप इसे निकल जाइए, क्योंकि ये शेयर आने वाले दिनों के अंदर ये दोबारा 6 रुपये के लेवल पर आपको दिखेगा, क्योंकि इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, इससे अवॉइड करिए, इससे दूरी बना के रखिए। जब इसका सही समय आएगा मैं बताऊँगा फिर से आपको इन्वेस्ट करने का सही समय होगा या नहीं हो वो भी समझाऊँगा आपको। बट जो इस पर चार्ट पे दिखा रहा है यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ 6 रुपये के आसपास ब्रेकआउट हुआ 4 रुपये पे, ये देखिए 4 रुपये पे एक बुलिश कैंडल ट्रेड है यहाँ पे, जो 4 रुपये से लेकर 6 रुपये के बीच में हमें बाय करना है इसको, और फिर इसमें हम पैसा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, पैसा इसमें अच्छा बना सकते हैं। अभी मेरा मानना है कि अभी शेयर से आप दूरी बना करके डोंट बाय दिस शेयर, प्लीज़ अवॉइड दिस शेयर। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।